दोस्तों लॉकडाउन या लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं, डायरेक्टली स्टॉक खरीद रहे हैं, लेकिन उधर बहुत ज्यादा रिस्क जो फैक्टर है वो बन जाता है। अगर शेयर मार्केट से रिस्क को हमें मिनिमाइज करना, अगर कम करना है तो इधर क्या कोई ऑप्शन है क्या? तो मैं डायरेक्टली रिकमेंड करूंगा डेरिवेटिव्स को। अगर आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट की पूरी हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें से लगभग 80 से लेकर जो 85% जो ट्रेड है एफएनओ के अंदर होती है, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन डायरेक्टली डेरिवेटिव है किसी स्टॉक का। अगर हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास दूध है, अगर दूध के डेरिवेटिव क्या क्या है, यानी दूध से क्या क्या बन सकता है, जैसे कि घी, मक्खन, लस्सी। अगर दूध का प्राइस दोस्तों कल नीचे जाता है तो जो इसके डेरिवेटिव है उनका प्राइस भी डायरेक्टली नीचे जाएगा। अगर कल दूध का प्राइस ऊपर जाता है तो जो इसके डेरिवेटिव है वो भी ऊपर जाएगा। यानी जो डेरिवेटिव है फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसकी कोई खुद की वैल्यू नहीं है, जो इनकी अंडरलाइन एसेट है उन्हीं से डेरिवेटिव का प्राइस जो है दोस्तों डिफाइन होता है पूरे स्टॉक से ही, चाहे वो स्टॉक्स आपके डायरेक्टली कमोडिटी हो, इक्विटी हो, यानी किसी भी तरह का स्टॉक हो, उसी से जो डेरिवेटिव है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, उसके अंदर से उसका प्राइस है जो अंडरलाइन एसेट से उसका डिफाइन होता है। मैक्सिमम दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर दो ही तरह के जो डेरिवेटिव है यूज होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब दोस्तों दिमाग में ये आ गया कि भैया ये फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है। अगर मैं सिंपली दोस्तों इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जैसे कि अगर हम फ्यूचर को डिफाइन करते हैं, मान के चलिए दोस्तों कोई किसान है, अगर कोई किसान ने अभी मान के चलिए प्याज की खेती की, और उसकी प्याज की अभी जो उसने खेती की है उसके अंदर अगर उसको 1 kg प्याज उगाने के लिए अगर 5 रुपए का कॉस्ट आ रहा है, और उसको चिंता है कि भैया 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब उसका प्याज पूरी तरह रेडी हो जाएगा अगर वो मार्केट में बेचेगा, तो उस समय ऐसा ना हो कि प्याज का रेट है 1 रुपया आ जाए, या ऐसा ना हो कि प्याज का रेट है 25 रुपये चला जाए। यानी उसको ये जो रिस्क है उसको कम करना है, अपनी सिक्योरिटी रखनी है, इसलिए वो अपने प्याज के अमाउंट की सिक्योरिटी के लिए जाता है किसी डीलर के पास। डीलर से बात करता है कि भैया मैंने प्याज की खेती आज 1 जनवरी 2021 को लगाई है, 3 महीने बाद 31 मार्च 2021 को मेरे पास 1000 जो टन है प्याज होगा, तो क्या आप उस प्याज के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे? तो उसको भी लगा जो डीलर है, भैया आज अगर मैं प्याज के साथ इसके साथ डील करता हूं तो 3 महीने बाद प्याज का रेट बहुत ही ज्यादा हाई जाने वाला है। तो उधर दोनों के बीच में मान के चलिए कि 15 रुपए जो पर केजी प्याज है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जो दोस्तों अगर उस समय पर अगर प्याज का रेट 25 रुपए चला जाएगा तो जो किसान है उसका प्याज 15 रुपए तो ऑलरेडी बिक ही जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। और जो डीलर है उसको भी इधर फायदा हो रहा है कि 25 रुपए चला जाएगा तो 10 रुपए उसको भी बेनिफिट हो रहा है। तो यानी जो बीच में इनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, अगर हम स्टॉक मार्केट में बात करें तो इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसके अंदर सेबी इन्वॉल्व रहती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करती है। यानी अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखते हैं तो दोस्तों जो किसान है जिसने प्याज बेचा है उसका भी पूरी तरह फ्यूचर है, इधर सिक्योर हो गया, उसको भी कोई चिंता नहीं है कि अगर मार्केट कल नीचे आती है तो फिर भी उसका प्याज 15 रुपए केजी बिकेगा। और अगर उसको जो डीलर है उसको भी इधर बेनिफिट्स हो गया कि जो प्याज का रेट है भैया उसने 15 रुपए पे कॉन्ट्रैक्ट किया और 3 महीने बाद या उस समय पर प्याज का रेट 40 रुपए चला गया, तो इधर जो दोस्तों दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो उसको मैनेज करता है, यानी सेबी की गाइडलाइन के अंदर ये सब होता है। दोस्तों ये होता है फ्यूचर का कॉन्सेप्ट। दोस्तों जो शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ट्रेड करते हो, मैक्सिमम ट्रेड किया जाता है ऑप्शन के अंदर, जो ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। मान के चलिए आपने कोई बाइक खरीदी, आपने नई बाइक 50,000 रुपए की खरीदी, अब आपको बाइक की चिंता है कि भैया मेरे को अगर कल बाइक को कुछ हो गया तो उसके लिए मेरे को एक इंश्योरेंस करवाना है, तो उसके लिए आप गए किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी को आपने बोला कि भैया मेरी बाइक है 50,000 रुपए की, मेरे को उसका इंश्योरेंस करवाना है, अगर कल मेरी बाइक को कुछ हो गया तो मैं पूरे पैसे आपसे ले लूंगा। यानी दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया उसके साथ, आपकी मर्जी है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आपने आगे रखना है या नहीं रखना। तो आपने बाइक इंश्योरेंस कंपनी को 500 रुपए का प्रीमियम दे दिया कि ये 500 रुपए पकड़ो 1 साल तक या जितने तक आपने कॉन्ट्रैक्ट तय किया है, तो जब तक अगर बाइक को कुछ हो गया तो मैं आपसे इस बाइक का पूरा अमाउंट ले लूंगा। अगर मान के चलिए कल आपकी बाइक गुम हो गई, जो आपने मतलब जिस तरह की जो कंडीशन रखी है, जो आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आप बाइक इंश्योरेंस कंपनी से पूरे का पूरे अमाउंट ले लोगे। तो दोस्तों जो ऑप्शन है सेम इसी तरह से काम करता है। ऑप्शन के दोस्तों बायर ऑप्शन रहता है, दूसरा रहता है सेलर ऑप्शन। अगर हम बायर ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो बायर हमेशा ही बेनिफिट्स में ज्यादा रहता है, इसके
कारण क्या है? सबसे पहले इसका लिमिटेड प्रीमियम रहता है, यानी कि आपने बाइक इंश्योरेंस कंपनी को 500 रुपए दे दिए कि भैया 500 रुपए लो, इसके बाद ही मैं पूरा जो भी है अगर कुछ हो गया तो आपसे वसूल कर लूंगा। दूसरा रहता है कि दोस्तों जो लिमिटेड रिस्क है, यानी आपका अगर मान के चलिए कुछ नहीं हुआ बाइक को, तो आपका जो रिस्क है 500 रुपए, ये 500 रुपए आपकी जेब से गया है। दूसरा रहता है अनलिमिटेड प्रॉफिट, अगर मान के चलिए जो वैल्यू आपकी बाइक की, आपने उसके अंदर और क्या क्या करवाया, जितने रुपए का आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इधर एक अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता है जो ऑप्शन बायर रहता है। अगर हम ऑप्शन सेलर की बात करें तो आप मान के चलिए कि इसका प्रीमियम ह्यूज है ऑप्शन सेलर का। क्यों ह्यूज है? कि उसको अगर कुछ आपकी बाइक को हो गया तो डायरेक्टली उसको 50,000 रुपए आपको पेड करने पड़ेंगे या उससे ज्यादा पेड करने पड़ेंगे, तो उसका जो प्रीमियम है बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा रहता है अनलिमिटेड रिस्क, अब रिस्क उसका अनलिमिटेड है। मान के चलिए अगर हम स्टॉक में बात करते हैं, अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ता रहता कंटिन्यू, तो जो आपने जो ऑप्शन बाय किया, उसका स्लॉट बाय किया, उसका भी प्राइस डायरेक्टली बढ़ता रहेगा, यानी उसको ये नहीं पता कि कितना बढ़ेगा, तो उसका रिस्क बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और दूसरा रहता है दोस्तों लिमिटेड प्रॉफिट, अगर मान के चलिए हम इंश्योरेंस कंपनी की इधर बात करते हैं, तो आपने उसको 500 रुपए दिए हैं, अगर आपकी बाइक को कुछ नहीं हुआ और ठीक ठाक रहा, तो सिर्फ उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 500 रुपए, उससे मैक्सिमम तो उसको नहीं हो सकता। और दोस्तों इधर अगर दोनों को कंपैरिजन करते हैं हम ऑप्शन को, तो डायरेक्टली जो ऑप्शन बायर है उसका लिमिटेड रिस्क रहता है, लिमिटेड लॉस रहता है, लेकिन उसको बेनिफिट्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर हमें ऑप्शन में जाना है, अगर फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर के अंदर हमें बहुत सारे अमाउंट, ज्यादा अमाउंट पेड करना पड़ता। दोस्तों हम अगर इंश्योरेंस का ही एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, यानी अगर हमने ऑप्शन अगर परचेज करना, तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं मार्केट में कौन सा इंश्योरेंस बढ़िया है, किस तरह का बढ़िया रहेगा, यानी हम पूरा सर्च करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर सर्च करने के लिए हमारे पास इतने ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको इधर रिकमेंड करूंगा FNO Play प्लेटफॉर्म, जहां पर आप ये सब कुछ इजीली अपने आप मोबाइल में घर बैठे कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की जो वेबसाइट है या फिर इसका जो प्लेटफॉर्म है, इसके जो मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगे 10, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि जो न्यू ट्रेडर हैं दोस्तों, जो न्यू मार्केट में आए हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मात्र 50 रुपए से आप अपनी जो ट्रेडिंग है यहां पर आप स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड में दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट बढ़िया है, यानी जो स्टॉप लॉस इधर मैंडेटरी है और आपका रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, जिससे यहां पर आप बेनिफिट्स ज्यादा ले सकते हैं। थर्ड में दोस्तों जो FNO एप्लीकेशन है, उसके अंदर जो ऑप्शन ट्रेडिंग है बिल्कुल ही ईजी है, इसके अंदर सिर्फ आप ऑप्शन बाय ही कर सकते हैं और यहां पर आप जो स्टेबल ऑप्शन चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो ये रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यानी आपको जो दोस्तों इधर एक्सपायरी है, स्ट्राइक प्राइस है, बाय एंड सेल है, यानी सिंपल 3 स्टेप में आपका सब कुछ हो जाएगा। और जो नेक्स्ट इसका बेस्ट बेनिफिट लगा कि आप यहां पर मात्र 50 रुपए से दोस्तों 50 रुपए से ट्रेड कर सकते हो और 500 रुपए से आप बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन को दोस्तों परचेज कर सकते हो। तो जो ये जो स्मॉल या छोटे इन्वेस्टर हम जैसे, उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों यही है कि आपसे ब्रोकरेज चार्ज तभी लिया जाएगा जब आपने कोई ट्रेड है वो एंड होगी प्रॉफिट के अंदर। अगर आप लॉस में चले गए तो आपसे कोई जो ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी मान के चलिए अगर आपने 100 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ तो आपसे सिर्फ 5 रुपए लिए जाएंगे और अदर ब्रोकरेज चार्ज मतलब आपसे 20 रुपए लिए जाएगा पर लेग पर ट्रेड के ऊपर। नेक्स्ट जो इसका बेस्ट है दोस्तों, जो फ्री अकाउंट ओपनिंग है, यानी कोई भी आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो सबसे मेरे को बेस्ट इसका बेनिफिट्स लगा कि जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग को बाय करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें सीखना भी तो पड़ेगा, कुछ उसके बारे में नॉलेज भी तो होना चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, FNO Play के द्वारा, आप 24/7 जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अकाउंट ओपनिंग से पहले भी और अकाउंट ओपनिंग के बाद भी, जब मार्केट लाइव हो पूरी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर मार्केट लाइव नहीं है तो मार्केट बंद हो चुकी है, तो उसके बाद जो ओल्ड प्राइसेस है उसके ऊपर भी आप पूरी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सबसे बड़ा ऑप्शन है। और दोस्तों क्या जो 8वां बेनिफिट्स मेरे को लगा कि इसके अंदर आपको जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसके अंदर आप प्राइस का मूवमेंट देख सकते हो, जो आपकी ट्रेड है उसी के हिसाब से कैंडलस्टिक चार्ट पर आप अपनी जो ट्रेड है ऑप्शन बाइंग की वो कर सकते हैं। और दोस्तों 9वां है जो अदर टेक्निकल इंडिकेटर है, जैसे कि बोलिंजर बैंड है, उसके बाद आपका RSI है, MACD, ये भी आपको इधर पूरी तरह से एक्सप्लोर तरीके से मिलेंगे। और दोस्तों इसका 10वां बेनिफिट है कि इधर आपको मार्केट ट्रेंड भी पूरी तरह से शो करेगा, ताकि भाई सीधी सी बात है कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, यानी मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आप इसको फॉलो करो और इधर से आप जो अपने ट्रेड पैटर्न के हिसाब से आप ट्रेड लगा सकते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर। तो दोस्तों जो ये 10 बेनिफिट्स मेरे को इस एप्लीकेशन के द्वारा लगे, अब मैं आपको एक लाइव ट्रेड करके दिखाता हूं कि आपको इसके FNO Play एप्लीकेशन के अंदर कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों इधर हम आगे हैं FNO Play एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर के अंदर, इधर आपको पूरी तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। इधर आपको मोस्ट पॉपुलर जो ऑप्शन है, कमोडिटी है,
उसके बाद आपको जो इंडिसेज हैं, स्टॉक्स हैं, इधर आपको पूरी तरह दिखाई दे रहे हो। सिंपल जो एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म है, यूजर इंटरफेस बहुत ही अच्छा है। इधर आपको जो स्क्रॉल करके हर तरह के ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे, चाहे आप इंडिसेज में करो, चाहे आप स्टॉक में कर लीजिए। इधर आपको जो मिनिमम अमाउंट है, आप 50 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। साथ में अगर आपको निफ्टी के अंदर अगर आपको ऑप्शन बाय करना है तो 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। इधर आपको जो बैंक निफ्टी का प्राइस इधर आपको लाइव दिखाई दे रहा होगा, इसने अंदर आप देख लीजिए जो कैंडल स्टिक चार्ट है पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आपको प्राइस का मूवमेंट हर कैंडल स्टिक चार्ट में दिखाई दे रहा है। जो सबसे बढ़िया इंटरफेस है, यानी आपको जो टेक्निकल इंडिकेटर है, इधर आपको पूरी तरह से सिंपली वे में समझाने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने जो इसके ऊपर बोलिंजर बैंड अप्लाई किया है, इसके अंदर आपको पूरी तरह से प्राइस का जो मूवमेंट है वो शो करेगा। इसके अंदर आपको जो रिवार्ड और रिस्क लेवल है वो भी आप सेट कर सकते हो। देख सकते हो कि आपने जो ऑप्शन बाय किया उसके अंदर जो रिवार्ड लेवल और रिस्क लेवल है कितना है। उसके आप जो लगभग 2000 से ज्यादा जो दोस्तों ऑप्शन है, इधर आप उनको एनालाइज कर सकते हो सिंगल सिंपल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि कौन सा जो ऑप्शन है आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपको जो इधर राइट साइड में ऑर्डर की डिटेल है पूरी तरह से शो हो जाएगी। उसके अंदर आप मात्र एक क्लिक के ऊपर जो स्टॉप कर सकते हैं ट्रेडिंग को, एक ही सिंपल क्लिक के अंदर आप अपने जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। साथ में जो ऑप्शन का प्राइस है पूरा स्लाइटली आपको हर एक शो होगा, ताकि आपको ट्रेड करने के अंदर कोई भी इशू ना आए। उसके बाद ऑप्शन का जब भी आप देख रहे हो दोस्तों, जो इसका चार्ट है, चार्ट को आपको एनालाइज करके पूरी तरह से आपको डिफाइन भी करेगा कि कौन सा जो ट्रेड आपके लिए बेस्ट है। आपके राइट साइड में आपको प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है कि इतने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है, इतने परसेंट आपको रिटर्न मिला है। यानी कि अगर आप नए हैं तो आपके लिए एक बेस्ट एप्लीकेशन है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है FNO प्ले एप्लीकेशन। यहां पर आप अपने ट्रेड के लिए आप एग्जीक्यूट करा सकते हो, ज्यादा रिटर्न दे सकते हो। इसका दोस्तों जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उधर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ऑप्शन में तो ये बेस्ट एप्लीकेशन है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। तो आज ही अपना इन्वेस्टमेंट इधर से शुरू करें।